अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान व्लॉग। तो दोस्तों, सुल्तान को हम रेगुलर ईद के दिनों में 4-5 दिन जो है ना वो कैंट लेके जाते रहे हैं, रोड पे चलाते रहे हैं इसको। तो उसकी वजह से ना इसके पाँव थोड़े से नीचे से घिस गए हैं, क्योंकि इसके पाँव के नीचे अगर हम नाल ना लगवाएं तो ये इसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। तो बच्चा था, हमने पहले कभी इसको इतना बाहर नहीं निकाला, लेकिन अब इसको रोड के ऊपर लेके गए हैं 4-5 दफ़ा, तो इसके पाँव घिस गए। ये इंसान का ही हिसाब होता है, जैसे इंसान शूज़ के बगैर, जूते के बगैर चल नहीं सकता, जानवर भी घोड़े भी इसी तरह जो है ना वो अगर इनके शूज़ ना लगवाए जाएं, इनके नाल ना लगवाए जाएं, तो इनके पाँव जो है ना वो घिस जाते हैं, पाँव में तकलीफ़ होती है। तो हमने महसूस किया कि सुल्तान को जो है ना वो पाँव उसके जो है ना वो दर्द कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा, किसी ने मशवरा दिया दोस्त ने कि इन इसके पाँव के नीचे नाल लगवा लें। तो अभी हमने रابطہ किया था एक बंदे के साथ, वो आ रहा है, तो आज सुल्तान को नाल लगवाएंगे। इसके मैं पाँव चेक करवाता हूँ कि ये देखिए इसके पाँव किस तरह घिस गए नीचे। सुल्तान पीछे हो, ये देखे थोड़े से ना पाँव को ऐसे दबा रहा है जैसे इसको पेन हो रही हो। तो मैं पाँव इसके आपको चेक करवाता हूँ, इसको नाल कैसे लगवाएंगे, कैसे लगते हैं नाल, सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। आपको मैं इसके पाँव चेक करवाता हूँ कि पाँव इसके किस तरह घिस गए हैं, ठीक है ना। तो अगर मजीद इसको हम ऐसे ही रोड पर चलाएँगे तो इसके साथ ज़्यादती है, इसके पाँव ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएंगे, पेन होगी ज़्यादा, तो फिर रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम इसको अभी नाल लगवा लें। ये इसके पाँव आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पाँव कितने घिस गए हैं, बस ये देखें सुल्तान, ये देखें ये पाँव इसके घिस गए। और अब इसके ऊपर नाल लग जाएंगे ना तो ये भी रिलैक्स फील करेगा और अच्छी चाल चलेगा। अभी एक अंकल को कॉल की थी, उनको एड्रेस समझा दिया, वो आ रहे हैं, तो जब आते हैं नाल लगाते हैं तो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। दोस्तों, ये हमारे यासीन भाई इनका नाम है, ठीक है ना, ये आ गए हैं। ड्रेस इनको समझाया था, ये देखें ये सारा सामान होता है, औजार वगैरह जिससे नाल लगवाए जाते हैं, तो अभी नाल लगाते हैं। बिस्मिल्लाह तीन चार दिन लगातार लै गए कैंट रोड से, वजह महसूस कर दिया वैसे कल का नहीं। सुल्तान मुश्किल लगाए जा रहे हैं, कैसे इसके पाँव के अंदर मेल कील जो है ना वो गाड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके ये अगले नेल होते हैं ना, ये जैसे इंसान के नेल कच्चे होते हैं ऐसे इसके नेल कच्चे होते हैं। ये अंकल कह रहे थे यार देखिए, कह रहे थे काफी पाँव घिस गए थे इसके। सुल्तान नहीं, बस 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 छोड़
ज्यादा पौधा नहीं पुटिया मैं ता फिर दोबारा ना लूजना हो जा हां फिर दोबारा लूजना हो जा नहीं लूज नहीं किस तरह भी लगना चले नहीं नहीं उरी ना ठीक है सारा कोट के लाया ना इने प्यार दर्द ज्यादा अच्छा अच्छा होल्ड नहीं कितने निकलना जाओ ते पिछले पैर फिर अगले पांव फिर ना लगवा दिए कह रहे हैं कि पिछले पांव पे नहीं लगाने फिलहाल क्योंकि अभी
अगर पिछले पाँव पे भी लगवा लीजिए ना तो ये ज़्यादा स्लिप करेगा रोड के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं कि अभी इनको जो है ना रहने दे पिछले पाँव को, अभी अभी सिर्फ अगले पाँव रहने दे, तो ताकि ये रोड पे स्लिप ना करे, 4-5 दिन बाद जो है ना वो पिछले पाँव पे भी लगा देंगे। तो हूँ ना कितनी देर बाद अगर कितनी देर चल जाएंगे यार नाल खराब हो जाते हैं, एक महीना या डेढ़ महीना या दो महीने के बाद फिर ये नाल चेंज करने पड़ते हैं, दोबारा लगाने पड़ते हैं। तो हम आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी, सुल्तान को नाल लगवाए हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।